प्रीलिम्स में डोमिनेटिंग जो क्वेश्चन जो पैटर्न था वो पेयर वाला था, राइट? जी तो वो पेयर वाले क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने जी कैसे अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को। तो मैं जी रीड आउट करता हूँ अभी आपके और लिए। क्वेश्चन इसमें था ऐसे जिसका आंसर था रन ऑफ कच्छ। अच्छा, कि मतलब फियरफुल हो रहा है मतलब एस्पिरेंट्स, उनकी मतलब पैटर्न काफी चेंज था, ड्रेस्टिक चेंज था प्रीवियस ईयर से। पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपने जो भी किताब पढ़ करके, खासकर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो तो इतना ज्यादा गर्मी होता है उस टाइम पे, 40-45 डिग्री, मुझे याद है कि पिछले साल भी 42-43 के आसपास का टेम्परेचर वो था। बात क्या क्या आपके पढ़ाई में कुछ लूप होल्स रह गया एक था? पार्टिकुलर लैंग्वेज में यूपीएससी अपने क्वेश्चन सेट करती है, फोमो जो हो जाते हैं आज के स्टूडेंट्स को। 10 दिन में मैं तो भाई टेस्ट सीरीज हटा देता था, मैं तो बस PYQs मैं करता। मानता हूँ कि यूपीएससी कॉन्फिडेंस का गेम है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपको नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन सही करके ले जाओगे, कॉमन सेंस है, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है वहां पे। सपोज भी आज वो है 16 जून आने ही वाला है, लास्ट वन वीक में है, राइट? तो जी लास्ट वन वीक में आपका जो स्टडी रूटीन रहेगा और आप डिविजन टाइम कैसे मतलब एलोकेट करोगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी लेवल पर रखोगे रिवीजन में, मतलब जी लास्ट वन वीक में, वो आप बता जैसे दो। मेरे लिए क्या वर्क करता है? एस्पिरेंट वन हुआ, एस्पिरेंट टू हुआ, और ये जो 12th फेल आ रखा अभी वो काफी वायरल हो रहा है एस्पिरेंट्स के बीच में। तो आपको क्या लगता है, आपको कितना मोटिवेट करती है एस्पिरेंट को यूपीएससी या ड्रीम परस्यू करने में? सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का डेली रूटीन में कितने घंटे का स्टडी आवर होना चाहिए आपके हिसाब से? जी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स स्टेज पे है उसका कितना रोल है? यूपीएससी जर्नी में मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज कौन सा है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू स्टेज? कहाँ पढ़ते हो, रूम में पढ़ते हो कि लाइब्रेरी कल्चर है जो यूपीएससी हमने, मतलब आप कहाँ पढ़ते हो ब्रो? आपने कभी टिंडर ऐप यूज किया है कि अगर आपको हाउस पार्टी के लिए, हाउस पार्टी के लिए 3 फ्रेंड को बुलाना चाहे चाहो तो आप वो 3 फ्रेंड आपके लाइफ में अभी कौन? यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एस्पिरेंट को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछते हैं? रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस, जो अंशुमान ब्रो से पूछूंगा। तो अंशुमान ब्रो, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट 16 जून को अपियर हो रहे हैं जी उनके लिए आप 3 टॉप लेवल के सजेशन देना चाहो? हे गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट? पापा सॉरी? यस पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन देयर से नो डू वन मोर अटेम्प्ट। गाइस जाने दो गाइस, आज पापा सॉरी के काफी स्पेशल गेस्ट को बुलाया है मैंने, और उनका नाम हुआ अंशुमान झा। और उनकी जर्नी का भी करेंगे आज, यूपीएससी की जर्नी, कि उनकी जर्नी कैसी रही है, देखते हैं आज क्या क्या इनके जर्नी से लर्निंग निकाल पाता हूँ पापा सॉरी पे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो अंशुमान ब्रो, जी मैं आपसे ये पूछ रहा था यूपीएससी की जर्नी आपने कब स्टार्ट किया? जी बेसिकली जैसे मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो हुई थी सेंट फ्रांसिस से, ओके, उसके बाद फिर 11th 12th, फिर मैं एक बोर्डिंग स्कूल चला गया था रामकृष्ण मिशन, फिर उसके बाद से ही मतलब मेरे माइंड में एक था कि हाँ यूपीएससी करना है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा था, बट एक माइंडसेट तो बन गया था उसके बाद ही, तो इसलिए मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले लिया। नो, एक्चुअली आप 11th 12th में आप अपने माइंड सेट बना लिए थे जी मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड भी था और जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे लोगों का मतलब एक माइंडसेट भी था कि हाँ मैं शुरू से मतलब थोड़ा ठीक था स्टूडेंट, पढ़ने में अच्छा था। तो एक होता है ना कि हाँ बच्चे बड़े होके कुछ IAS और IPS की सपना देखते हैं, तो लोगों लोग भी आसपास में जब ठीक था पढ़ने में तो उनका भी एक सपना था, तो वही फिर मतलब उस टाइम से एक थोड़ा सा माइंडसेट था कि हाँ इधर इंक्लिनेशन भी था थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तरफ, एक बहुत रेप्यूटेड जॉब माना जाता है अपने सोसाइटी में। तो उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया कॉलेज में आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप 11th 12th में क्या लिए थे? साइंस 11th 12th में मेरा साइंस था था। जी, साइंस बैकग्राउंड था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर इंग्लिश। तो आपने मतलब 11th 12th में थॉट था उस टाइम आपके पास कंप्यूटर? 11th 12th में एग्जैक्टली नहीं था, 11th 12th में तो मतलब जैसे सब चाहते हैं कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जाने का, तो वही फिर उस टाइम पे तो इंजीनियरिंग मेडिकल था। उसके बाद फिर मतलब जब मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसे बोर्डिंग स्कूल मैंने बताया बोर्डिंग था, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर आया करता था, तो हम लोग न्यूज़पेपर मतलब देखते थे क्या करंट अफेयर्स चल रहा है, मतलब क्या नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन बनना स्टार्ट हो गया कि नहीं हाँ थोड़ा सा मतलब इस फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है। जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया है पीएसए एडवांस, तो आपका पीएसए ग्रेजुएशन करने के बाद आपने मतलब कोचिंग कोचिंग ज्वाइन किया था यूपीएससी के लिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही कर रहा था, मतलब उस टाइम पे सेल्फ स्टडी बेसिकली, क्योंकि हमें मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मुझे कॉलेज भी मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाना होता था, कॉलेज से वापस आना होता था, तो वो भी एक रीजन था।
तो आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करा था। तो उसके बाद मतलब कोचिंग जीएस के लिए ज्वाइन करा था, फिर मतलब सीसेट मैंने खुद से ही प्रिपेयर करा था जीएस के लिए, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी। सर फाउंडेशन कोर्स 9 month वाला किया था कोचिंग? टाइम तो नहीं था, आई थिंक 14 month तक एक्सटेंड हो गया था वो। 14 month तक चला? जी, 14 month तक एक्सटेंड हो गया था। तो आपने सिर्फ जनरल स्टडीज का कोचिंग लिया राइट? हाँ, जनरल स्टडीज का कोचिंग लिया था, सीसेट खुद से किया था। और ऑप्शनल ऑप्शनल का भी लिया था? नहीं, ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडीज किया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस ही था, तो अच्छा पीएसआईआर लेकिन मेरा वो भी है, ऑप्शनल भी है, तो इसलिए मैंने मतलब, क्योंकि हमारे टीचर्स भी जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे वो भी काफी मतलब अच्छे थे, अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट थे, तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत भले हेल्प ली हो, बट बेसिकली जो सेल्फ स्टडीज से ही मैंने करा था। अच्छा जी तो अंशुमन ब्रो, अभी हम लोग आपके पास्ट में जाएंगे, पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस यूपीएससी करने का कवर करेंगे। हाँ जी मैम। तो जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी का प्रीलिम्स जो था वो 28 मई को था राइट? तो राइट, आपका सेंटर कहाँ था? जी मैंने सेंटर तो दिल्ली दिया था, तो कश्मीरी गेट के पास मेरा सेंटर पड़ा था, तो काफी गर्मी थी उस दिन। वहां से पास ही था कश्मीर गेट? मेरा फ्लैट तो करोलबाग था, अच्छा करोलबाग है अभी, हाँ और कश्मीरी गेट एक्चुअली येलो लाइन पे पड़ती है, तो यार इंडिया लिस्ट के बाद। तो फिर निकले थे, सुबह ही निकले थे, इवन मेरे पापा भी आ गए थे उस टाइम पे। जी पेरेंट्स के साथ गए थे जी आप? जी मेरे पापा आए थे, इवन मेरी सिस्टर का भी वहीं पे पढ़ा था, मतलब आस पास में, नॉट सेम सेंटर बट आस पास में। तो मम्मी मम्मी के लिए तो दिला है, और पापा मेरे साथ गए हैं। वाह यार बढ़िया यार, बहुत जी बढ़िया। तो जैसे आपको ग्रो, जैसे आप गए सेंटर पे जाने के बाद आपको मतलब वहां पे मतलब क्या क्या चीजें ले जाने दिया था आपको सेंटर के अंदर? वाटर बोतल लिया दिया? जी वाटर बॉटल दिया था, एंड एडमिट कार्ड दिया था ऑब्वियसली, और साथ में आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, अच्छा और एक आधार कार्ड, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड आपको, आप आधार कार्ड या कुछ भी वैसा पैन कार्ड ले जा सकते हो। तो ब्रो आप मुझे बताइए एग्जाम हॉल के अंदर कब कब बैठ गए थे, मतलब कितने देर पहले चले गए? जी मैं 1 घंटे पहले तो चला ही गया था, मतलब मैं निकल गया था अपने घर में, मुझे याद है 6 6 साढ़े 6 में सुबह में मैं निकल गया था, अच्छा तो 8 बजे तक तो मैं पहुंच ही गया था। फिर 8:30 से एंट्री था, क्योंकि तो अपना एग्जाम 9:30 to 11:30 था यस शेड्यूल, तो 8:30 एंट्री हो जाता है, क्योंकि वहां डिले करके आपको, फिर आपको 1 साल का फिर से आपको तय करना पड़ जाएगा, तो आप कुछ लास्ट, एस्पिरेंट्स को अलाउ भी नहीं करते हाँ, एग्जाम कुछ एस्पिरेंट्स को अलाउ नहीं करते, बिकॉज आइदर दे आर डिलेड बाय दिस टाइम, क्योंकि आपको वहां पे डिले नहीं करना है, आपने पूरी साल मेहनत करी है, आपने पूरा साल पढ़ा है, तो आपको वहां पे जाके मतलब ये नहीं होना कि 1 दिन की वजह से आपका पूरा साल का मेहनत यस हो ये जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्ली जाना सही हाँ रहता जी, है। अर्ली जाना उस दिन खास करके, और 1 दिन पहले मैं तो ये बोलूंगा कि 1 दिन पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 1 दिन पहले आप देख लेते हो, आप इन्वायरमेंट से थोड़े फैमिलियराइज हो जाते हो, तो आपको उतना वो नहीं होता है, कि हो सकता है कि मेट्रो स्टेशन से लेके आपका सेंटर थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो, ये सब सेंटर के आसपास में क्या है क्या नहीं है तो कोई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब सेंटर एक्सपोजर एग्जाम जी देने से पहले ही ले लेना चाहिए राइट? एग्जैक्टली, आपको 1 दिन पहले ही सेंटर पे चले जाना चाहिए, 1 दिन 2 दिन पहले एटलीस्ट आपको इतना तो होना चाहिए कि हाँ मतलब कैसा है क्या है इन्वायरमेंट है, तो वो आपको पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये ना हो लास्ट दिन आपको पता चल रहा है कि हाँ ऐसा चल नहीं रहा। कि जैसे आप एग्जाम हॉल में एंटर किए राइट, जी तो वहां पे एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिल गया और 9:30 को, तो हाँ 9:30 को आपको पेपर मिला, तो जैसे एस्पिरेंट्स को पता है कि ये 2023 प्रीलिम्स काफी टफ आया था राइट, जी तो ये प्रीलिम्स इतना टफ आया था, तो आपको फर्स्ट लेंस में जब आप GS1 का पेपर देती तो उस टाइम आपको मतलब कैसा फीलिंग आया, मतलब वर यू कंफर्टेबल एट द मोमेंट? देखिए, फर्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली पेपर टफ था 2023 का, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हाइप भी हुआ था इस बात को लेके, ऑप्शन एलिमिनेशन ये था, बट अगर आपने बेसिक बुक्स कर लिया हो, अगर आपका जो बेसिक बेसिक बुक्स जो हर टॉपर बोलेंगे, वो जो आपने बेसिक बुक कर लिया हो एंड आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया हो बेसिकली, क्योंकि टेस्ट जितना पढ़ना आपका इम्पोर्टेंट है उतना टेस्ट लगाना इम्पोर्टेंट है, बिना आप अगर कोई बोर्ड में जा रहे हो एंड आपको ये नहीं पता हो कि मतलब वहां पे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फिर आप रणनीति, बिना रणनीति का आप लड़ाई हार जाओगे, तो जहाँ इतना कॉम्पिटेटिव, ये यूपीएससी टाइप एग्जाम जो इतना कॉम्पिटेटिव है, जहाँ लाखों लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन मात्र 1,000 में है, तो ये सब एग्जाम में है कि आपको रणनीति एक चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तो अगर आपने वो देखा होगा तो बेसिकली अगर क्वेश्चंस टफ है तो कट ऑफ ऑब्वियसली लो जाता है, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 4 साल से उठा लो
तो कभी भी मतलब 90 क्रॉस तो बहुत कम ही 90 क्रॉस करते हैं। पिछले साल का भी 75 था मतलब कट ऑफ, ये 2023 का जो अभी रिलीज हुआ है 75। 2022 प्रीलिम्स का ये कट ऑफ था जनवरी में, और इस साल का जो 23 का जो प्रीलिम्स है अभी कट ऑफ आया वो 74 आया है, 75 पॉइंट समथिंग। हां जी यस। हां तो और आपका, मेरे 86 है, मेरे 12 मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से। यस, कट ऑफ से ब्रदर का 12 मार्क्स ज्यादा है गाइस। तो गाइस इनकी स्ट्रेटजी पे आप लोग बिलीव कर सकते हो, जो भी अभी शेयर करने वाले हैं। GS1 का हम लोग डिस्कस करेंगे, GS1 का प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंशुमान ब्रो, आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठे, पेपर देखे आपने, तो आपने जो पेपर देखा तो आप क्या फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता पेपर? नहीं, पहले मैं 5 मिनट थोड़ा ग्लैंस करता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपको मतलब पता हो जाना चाहिए कि पेपर में एग्जैक्टली आया क्या है, पूछ क्या रहे, क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि थोड़ा वो पेपर चेंज करते हैं हर अल्टरनेटिव ईयर, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो वो ट्विस्ट डालते हैं कि बच्चे के लोग को थोड़ा सा शौक, तो वो जो एक शौक होती है वो आपको मतलब हो जाती है। पहले 5 मिनट में मतलब ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि मैं पेपर पूरा देख लेता हूँ 100%, पहले 5 मिनट में उल्टा में देख लेता हूँ। तो जो भी कुछ नया, जैसे 2021 की पेपर में उन्होंने अवार्ड का डाला था, स्पोर्ट्स का अवार्ड का डाला था, फिर 2023 वाले पेपर में भी उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड डाला था। फिर कुछ कुछ तो यूपीएससी की आदत होती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया एक ट्विस्ट डालेंगे, तभी वो मतलब थोड़ा सा वो होता अनप्रेडिक्टेबल, मुझे बोलते हैं। तो वो अगर आपको मतलब क्रक्स जानना है तो आपको पहले 5 मिनट में पेपर फ्लिप, और ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होती है, मतलब आप पेपर फ्लिप कर लो पहले 5 मिनट में, जो भी चीज नया हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ पेपर टफ आ रहा है कि इजी आ रहा है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से एक साल पढ़ाई करी है, आपने सब टेस्ट लगाया, आपने बेसिक बुक्स करा है, आपने करंट अफेयर्स करा है, तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम हॉल में कि पेपर कैसा है और उसके हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जी, मतलब आपकी स्ट्रेटजी 5 मिनट में ग्लैंस करते हैं। 5 मिनट में ग्लैंस कर, तो आपको शॉक नहीं लगा कि थोड़ा डिफरेंट टाइप? वो मुझे पता था कि मतलब यूपीएससी की आदत है कि हर साल वो स्नेयर डालता है, तो था टफ तो था ही, क्योंकि अगर आपने 23 का पेपर देखा होगा उसमें ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे थे। वो पहले 22 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इस बार 47 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन में उन्होंने ये डाल दिया था, पहले उनके 8 क्वेश्चन में थे। यस, 22 में 8 था। हां, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है ये बात कि हां अब मतलब बच्चे यहां पे, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग ये पैटर्न। हां, ये पैटर्न, क्योंकि उन्होंने सीडीएस के पेपर में भी उन्होंने ये डाल रखा था। अच्छा, अगर आप मतलब मैं क्योंकि रिसेंट के पेपर्स तो आपको देख के जाना चाहिए यूपीएससी, खास करके जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, तो जो सीडीएस का पेपर था उसमें भी उन्होंने ये ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको अंदाजा, आपको एक एस्टिमेट हो जाता है कि हाँ यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस देने वाली है, और उसके लिए आप अपने आपको खुद कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लेते हो। अच्छा, एस्पिरेंट जो 2024 प्रीलिम्स देंगे, हाँ जी, तो उनके लिए आप कुछ आइडिया स्ट्रेटजी या एक अप्रोच वाला है स्ट्रेटजी? तो स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना कि करंट अफेयर पोर्शन पे, किस पोर्शन पे, जैसे बाइसिंग ट्रेंड ऑफ 2023 वाला? देखिए, स्ट्रेटेजी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, देयर इज नो मतलब यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी जो सब पे अप्लाई हो जाए, वन रूल फिट नॉट फिट ऑल। यस, तो सबकी स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बस बेसिक बेसिक चीज तो सेम रहता है। यस सर, जैसे आप जो मतलब स्टैटिक पार्ट है उसको तो आप ऑब्वियसली नहीं यहाँ पे इग्नोर करके जा सकते हो, जो बेसिक किताब है जो हर टॉपर बोलते हैं, अब चाहे वो लक्ष्मीकांत हो जाए, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो जाए, चाहे वो के लिए हो, तो जो बेसिक सब करके जा रहे हैं वो तो आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप जो बेसिक है वो तो गलत नहीं कर सकते हो। और जो किसी को नहीं आता है, जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछते हैं जो किसी को नहीं आता है, उसमें अगर आप गलत भी कर रहे हो तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि कट ऑफ तो 200 कभी जा नहीं रही है, कट ऑफ इज होवरिंग अराउंड 80, that you can't do wrong what all others are doing correct. मतलब you are saying कि easy question को गलत नहीं करना है, difficult question को avoid कर सकते हो, या आप थोड़ा सा elimination लगा के आप अगर कहीं 50-50 में पहुंच गए हो, दो questions pure guesswork तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप मतलब pure guesswork करो, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हो दो आपने eliminate कर दिया, अब दो options है आपके पास, तो वहां पे आप गेसवर्क कर सकते हो, क्योंकि आप नेट पॉजिटिव भी देखोगे तो आप नेट पॉजिटिव में जाएगा मार्क्स, तो आपको तो वहां मैक्सिमाइज करना है अपने मार्क्स को, कि आप कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्रीलिम्स में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? देखिए, मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा रहता है कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ओके, तो मैं 80 प्लस तो अटेम्प्ट करता ही हूँ, तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने 83-84 अटेम्प्ट करा था। 23 में मैंने 83-84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, क्योंकि आप कम करोगे तो आप ऐसे ही आउट ऑफ द लिस्ट हो, मतलब
अगर आपने 50 करा आपके उसमें 10 भी गलत हो गए तो 40 भी हो गए तब आप 80 तो मैक्सिमम मार्क्स और नेगेटिव में भी आपकी 10 चलेगा तो 80 में तो आपकी मतलब 70 से भी इवन 75 से भी मिलोगे क्योंकि आप नेगेटिव में भी चलेगा और इतना एक्यूरेसी कहीं होता नहीं है और इफ किसी का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं बट जो नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए जो होता है एक्यूरेसी समवेयर 70-75% की एक्यूरेसी रहती है तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि मतलब आपको जितने मतलब मैक्सिमम 80 प्लस ही अटेम्प्ट करना चाहिए 80-85 अब ये बहुत लोगों का होता है कि 100 out of 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं वही मैं पूछने वाला था कितने एस्पिरेंट 95 से 100 के बीच में अटेम्प्ट करता है बट वो डिपेंड करता है वो स्वीट स्पॉट आपको अपना स्वीट स्पॉट पता करना चाहिए जैसे मतलब मॉक टेस्ट जी आप मॉक टेस्ट दो आप बेसिकली आप जैसे 10 मॉक टेस्ट दोगे आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करो आप पहले 80-75 करो 80 अटेम्प्ट करके देखो 85 करके देखो 90 करके देखो 95 करके देखो जिसमें आप मतलब एक आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा स्वीट स्पॉट है जैसे मेरे लिए 85 था मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मेरे मतलब मैक्सिमम मार्क्स बनते थे 85 पे तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप टेस्ट लगाओगे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और बेसिकली उसको आपको एनालाइज करना होता है मॉक टेस्ट को जो भी आप मॉक टेस्ट के बिना आप मतलब ये एक ऐसा मतलब वो है जहां आप क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्योंकि पढ़ते तो सब बेसिक किताब तो सबकी सेम ही होती है कुछ एस्पिरेंट ये दिख रहा है कि मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर में जो टेस्ट होता कोचिंग के तो टेस्ट सीरीज से नहीं टेस्ट नहीं लगाने चाहिए मतलब जी मैंने तो मैं खुद के लिए बता सकता हूँ ये सबने बताया जी जी मैंने एक टेस्ट लिया था मतलब विजन आईएएस का अच्छा टेस्ट सीरीज माना जाता है तो मैंने वो एक टेस्ट सीरीज में इनरोल किया था तो उनके 35 टेस्ट थे मैंने वो लगा लिया था पूरा अच्छे से और साथ में मैंने एक टेस्ट मार्केट खरीद लिया था तो वो मैं खुद से लगाता था ज्यादा नहीं बस मैं फुल लेंथ लगाता था सबके फुल लेंथ और जो एक विजन का लिया था वो मैं पूरा 35 टेस्ट मैंने लगाया सेक्शन वाइज हां सेक्शन वाइज क्योंकि एक दो सेक्शन वाइज आप लगा लेते हो तो आपको पता होता है कि इस पेपर में या इस सब्जेक्ट में आप कितना कंफर्टेबल हो एक सब्जेक्ट में आपका मतलब पता होना चाहिए कि इसमें जैसे मैं हिस्ट्री में उतना कंफर्टेबल नहीं था हिस्ट्री में मेरे अगर मैं 10 अटेम्प्ट करता था तो मेरे 4-5 ही सही हो पाते थे लेकिन मेरा मेरे लिए गवर्नमेंट बहुत सही था मैं 10 अटेम्प्ट करता था मेरे 8-7-8 सही हो जाते थे तो वो आपको पता चल जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो और आपको कितना उस सब्जेक्ट में रिस्क लेना चाहिए सेक्शन वाइज करने सर और फुल लेंथ में आपको एक एग्जाम फील आ जाती है कि एग्जाम में आपको कितने अटेम्प्ट करने तो गाइस अभी हम लोग अंशुमान ब्रोस ये पूछेंगे कि इनका जो कट ऑफ था ना गाइस आज इस बार 2023 प्लेन्स का जो कट ऑफ था वो 75 का राउंड था जनरल कैटेगरी में तो इस अंशुमान ब्रो का मतलब 12 मार्क्स ज़्यादा था कट ऑफ से तो इन्होंने क्या ऐसा अलग किया था जिनके वजह से इनके 12 मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से क्योंकि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था गाइस तो वही जानने की कोशिश करते आपने ऐसा क्या अलग किया था जिससे आपका कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स आए क्योंकि 74 लक्ष्मीकांत से सीधे एक्ट से रिक्रेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आप गलत नहीं कर सकते हो जो आप मतलब सब एस्पिरेंट सही कर रहे हैं वो तो आपको गलत नहीं करना है उसके अलावा आपको मतलब थोड़ा सा मतलब रिस्क लेना है आपको थोड़ा सा मतलब ये लेना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आपको वहां पे रिस्क लेना है आपको वहां पे थोड़ा सा मतलब गेसवर्क भी कर सकते हो आप गेसवर्क तो नहीं बोलेंगे अगर आप मतलब क्वेश्चंस बेसिकली आप अगर यूपीएससी का एक लैंग्वेज होता है यूपीएससी जो पेपर सेट करती है उसका एक लैंग्वेज होता है वो मतलब ये नहीं चाहती हुई कि मतलब सीरियस एस्पिरेंट जो होते हैं वो आउट हो जाए okay. वो चाहती है सिलेक्शन करवाना आप अगर वो समझ रहे हो तो आप मतलब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और आप जितना मतलब वहां पे जाके अपना जो आपका एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा क्वेश्चंस आपने अगर आपने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं इसका आंसर जो है ये हो सकता है क्योंकि वहां पे आप एग्जाम हॉल में 40 क्वेश्चंस के आसपास ही ऐसे होते हैं जो सब एस्पिरेंट्स को आते हैं यस सर हां 40 क्वेश्चंस से ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि किसी को 100 आउट ऑफ 100 या 50 60 अब बहुत जो मतलब सीजनल प्लेयर्स हैं इसमें तो 3-4 साल से यूपीएससी बैक टू बैक निकालते हैं प्रीलिम्स उन्हें भी 40 क्वेश्चंस के आसपास ही आता है okay. उसके बाद फिर आप एक गेसवर्क करते हो आप एलिमिनेशन करते हो उसके बाद फिर आप उसको मतलब 40 अटेम्प्ट को आप 80 तक ले जाते हो अगर उसमें से आपका 20 गलत भी हो गया 20 सही भी हो गया नेट आपका नेट पॉजिटिव आप क्योंकि आप 2 मार्क्स मिलते हैं आपको पॉजिटिव में 0.66 करते हैं नेगेटिव में तब भी आपके नेट पॉजिटिव तो और कट ऑफ वैसे भी क्लियर ही होती है
अगर आप खास करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो जो आई थिंक 10 मार्क्स ऊपर रहता है, तो उसके लिए तो आपको मतलब 80+ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। यस गाइस, ऑन पापा सॉरी, अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में जो फियर फैला हुआ प्रीलिम्स को लेकर, तो वही अभी अंशुमन ब्रो से डिस्कस करने वाले हैं। तो अंशुमन ब्रो, जैसे 2020 प्रीलिम्स पता नहीं क्या हवा बना दिया, कोचिंग वालों ने बनाया कि पता नहीं किसने बनाया, कि मतलब फियरफुल हो रखा है मतलब एस्पिरेंट्स, क्योंकि मतलब पैटर्न काफी चेंज था, ड्रेस्टिक चेंज था प्रीवियस ईयर से। तो आप एस्पिरेंट्स का फियर कैसे कम किया जाए, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जी पहले अगर मैं बोलूंगा तो आपने अगर यूपीएससी के लिए सोचा है तो आप एटलीस्ट 1 साल पहले से तो आपने प्रेप करना स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो आपने 1 साल में जो भी स्टैटिक बुक्स, आप पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपने जो भी किताब पढ़ा है। अब अगर कोई मुझे आगे बोले कि नहीं लक्ष्मीकांत के जगह पे आप डीडी बासु भी पढ़ लो, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने जो बुक पढ़ा है मैं वही फिर से रिवाइज करूंगा। आप सब बोलते हैं और ये सच भी है, आप एक किताब को 5 बार पढ़ो ना कि 5 किताब को 1 बार। तो आप जो भी किताब आपने पढ़ा है उस पर आप अपने सोर्सेस पे बिलीफ रखो, अपने जितने भी स्टैटिक पार्ट है उसे आपने अच्छे से करना है। उसके बाद फिर जो भी एक करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी कोचिंग में अभी प्रीलिम्स आ रहा है, अभी कोचिंग में ढेर सारे मटेरियल, अभी वो मतलब अननेसेसरी मटेरियल आ जाएंगे, तो एक कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स का, जैसे मेरे लिए विजन आईएएस का हो सकता है, तो आप अपने लिए देख लो बहुत सारा है, तो एक जो भी आप मैगजीन करते हो उसे आप अच्छे से कर लो। एंड उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आपका सिलेक्शन रेशियो उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला माइंडसेट। ऑब्जेक्टिव क्योंकि आप एक तरह से आप समझ रहे हो ना, आपको बैक टू बैक 2 पेपर लिखना है, आपको पहले 9:30 to 11:30 GS1 लिखना है, फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, समझ ही रहे हो। अगर खास करके आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो तो इतना ज्यादा गर्मी होता है उस टाइम पे, 40-45 डिग्री, मुझे याद है कि पिछले साल भी 42-43 के आसपास का टेम्परेचर था। तो और आपको उस वाले इन्वायरमेंट में आपको टेस्ट लगाना है, जिस इन्वायरमेंट में आपको 2 घंटे बैठ के आपको प्रॉपर आपको टेस्ट लगाना है, और फिर आपको एनालाइज करना है कि आप सही किया तो आपने क्यों किया, आप नॉलेज से सही किए कि आपने कुछ एलिमिनेशन लगाया, कि आपने कुछ दो दो आप दो आंसर पे दो आपने एलिमिनेट कर दिया था, दो आप को पता था तो आपने 2 में गेस किया। तो आपको ये देखना है कि आपका किस लिए, और अगर आपको नहीं आया, गलत किया तो क्यों गलत किया, कि आपके पढ़ाई में कुछ लूप होल्स रह गया था, कि आपने कुछ सोचा और आपने सिली मिस्टेक कर दी, तो आपने क्यों गलत किया। तो ये आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेस, तब तक आपका मतलब कहीं ना कहीं आप रह जाओगे। तो बेसिकली आपको अभी बेसिकली स्टेटिक बुक्स जो भी आपने पढ़ा है वो, साथ में एक करंट अफेयर्स और साथ में ढेर सारे PYQ और टेस्ट सीरीज दोनों। तो ब्रो हम लोग ये आते हैं कि यूपीएससी के PYQ का क्या रोल है, मतलब देखिए प्रीवियस ईयर तो मैं बोलूंगा कि अगर प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करते हो तो बेसिकली आपको लैंग्वेज जो होता है आप फैमिलियराइज हो जाते हो यूपीएससी का, जो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में यूपीएससी अपने क्वेश्चन सेट करती है, कि उसका उसमें होता है कि क्या कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एक्सट्रीम वर्ड्स को स्टेटमेंट को अवॉइड करना होता है, मतलब एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में जो PYQ, इसलिए आपको एटलीस्ट मतलब मैंने तो 10 साल का करा है, बट आपके पास अगर टाइम कम हो तो आप 5 साल का तो करके ही जाओ, तो उससे आपको लास्ट में एलिमिनेशन में और यूपीएससी कैसा स्टेटमेंट, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे वो नहीं होगा फोमो जो हो जाते हैं आज के स्टूडेंट्स को, कि अरे ये तो कुछ नया आ गया, ये तो कुछ नया आ गया, तो वो चीज आपको नहीं होगा। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज लगाओ और प्रीवियस ईयर कम से कम तो आप 5 साल के देख के जाओ। तो ये ब्रो आप तो PYQ देखने की बात कर रहे हो, वो मतलब प्रीलिम्स से कितना दिन पहले, मतलब लास्ट 1 वीक में देखना चाहिए कि नहीं देखना? नहीं नहीं बिल्कुल, आप लास्ट 10 दिन में, मैं तो भाई टेस्ट सीरीज हटा देता था, मैं तो बस PYQ करता था। हाँ क्योंकि हाँ PYQ को, क्योंकि यूपीएससी का एक पार्टिकुलर माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट में अगर आपको आना है तो लास्ट का सप्ताह तो आपको PYQ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेस्ट लगाया मान लीजिए लास्ट के सप्ताह आपको कम मार्क्स आ गए तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, और उस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप डिमोटिवेट हो, तो इसलिए उस टाइम पे आपको PYQs लगाने हैं, CSAT फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर से कहाँ आप गलत हो रहे हो वो देखना है, और बेसिकली उस टाइम पे है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस को गेन करना है, क्योंकि ये
मैं मानता हूँ कि यूपीएससी कॉन्फिडेंस का गेम है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपको नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन सही करके ले जाओगे, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है वहां पे। तो बेसिकली और कट ऑफ जा कितनी रही है, 50% से लो जा रही है, 50% से भी लो जा रही है। तो इसलिए आपको वहां पे कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो करा है, वो आपने सही करा है, और आपको वहां पे बेसिकली अपने स्ट्रेटेजी पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। तो अंशुमान गुरु मुझे ये बताओ, जैसे प्रीलिम्स इस वर्ष 16 जून को है, जी जी, तो 16 जून से लास्ट वन वीक आप कंसीडर करो कि लास्ट वन वीक, सपोज कि आज वो है 16 जून आने ही वाला है, लास्ट वन वीक में, राइट, तो लास्ट वन वीक में आपका जो स्टडी रूटीन रहेगा और आप डिविजन टाइम कैसे मतलब एलोकेट करोगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी लेवल पर रखोगे रिविजन में, मतलब लास्ट वन वीक में, वो आप बता दो। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ो कि मतलब जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करो लास्ट। एक किसी ने अच्छा वो कहा था, कोट कहा था कि अगर मेरे पास 4 घंटे हो तो मैं अपना एक्स को शार्पन करूंगा। अच्छा, तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी, तो आप बिना स्ट्रेटेजी का इस गेम में आप यूपीएससी जैसे जर्नी में आप तो हो नहीं पाएगा आपका। तो मैं ये मानता हूं कि आपको जो, जैसे मेरे लिए क्या वर्क करता है कि मैं जो भी भूलने वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट मैं यूजुअली लेट ऑफ द मतलब लेट के लिए रखता हूँ, जैसे अगर लास्ट वन वीक में, क्योंकि उस टाइम पे मतलब भूलने वाला सब्जेक्ट अगर याद करो तो आपको याद रहता है तुरंत तुरंत। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जो ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट हो, अब जो जैसे थोड़ा समझ, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो समझने वाला हो, कॉन्सेप्चुअल हो गया, तो वो सब मैं थोड़ा पहले रखता हूँ वीक के, कि उस टाइम पे मैं, मुझे याद रहता है। लेकिन जो फैक्चुअल, जो एकदम अब कब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में, तो वो मैं बाद में रखूंगा कि मुझे तुरंत तुरंत याद रहे और प्रीलिम्स वाले दिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके आ पाऊं। तो मेरा मानना है कि आप मतलब अपने तरह से देख सकते हो, बट जो यूजुअली जो फैक्चुअल और जो थोड़े से याद करने वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको कहीं ना कहीं याद भी बहुत सारे आपको मेमोरी में फैक्ट्स होने चाहिए, तो वो सब आप लेट ऑफ द वीक में रख सकते हो कि, और आप उसको बार 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 रिवाइज करो कि आपको एट द एंड डे तो आपको वो रिकैप्चुलेट हो जाए। जी, तो आप कौन से सब्जेक्ट टॉप 3 सब्जेक्ट बताओ प्रीलिम्स के लिए, जो लास्ट वन वीक में आप रिवीजन के लिए प्रायोरिटी रखोगे? सबसे पहले तो पॉलिटी, हर साल 18 से 20 क्वेश्चन आता है, और उसमें आपका मतलब सिलेक्शन भी, अगर आपने सही से लक्ष्मीकांत की किताब कर गए हो तो आप 18 में से 15 क्वेश्चन निकाल लोगे। उसके बाद फिर मैं रखूंगा इकोनॉमी, इकोनॉमी क्योंकि ये सब ऐसा है ना कि आप ये अगर अच्छे से पढ़ के गए हो, आपको इकोनॉमी का, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बैंकिंग, आपको फिजिकल डेफिसिट, ये सब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको अगर कंसेप्ट, तो आप निकाल जाओगे वहां पे क्वेश्चंस। तो आप बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये तीन तो रामबाण है। अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स आपको निकालना है तो ये तीन तो आपको मतलब 30 से 35 क्वेश्चन तो यही तीन आपको निकाल के दे देंगे। तो आप करंट अफेयर को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखोगे लास्ट वन वीक? नहीं, मैं करंट अफेयर्स करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं मैपिंग करूंगा, क्योंकि मैपिंग से हर साल मतलब 2020 से अगर आप पेपर उठा लो तो मैपिंग से हर साल क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो सेंट्रल एशिया वाला जो है, क्योंकि वहां पे बहुत टर्मोइल चल रहा है। yes. वहां पे आए दिन वार होता है, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो हर साल, तो वहां से यूपीएससी का वो फेवरेट स्पॉट है। तो मतलब फोर्थ प्रायोरिटी में आप आईआर, मैपिंग, हाँ, तो आईआर वाला पार्ट रखूंगा और मैपिंग करूंगा मैं, क्योंकि मैपिंग से हर साल क्वेश्चन बनना है, हर साल यूपीएससी पूछती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल भी उन्होंने पूछा था उज्बेकिस्तान और ये वाला पूछा था, फिर उन्होंने रसिया के बारे में पूछा था, कि फिर उन्होंने बॉर्डरिंग स्टेट्स पूछा था कि कौन कौन से बॉर्डर करते हैं, तो वो हर साल पूछेंगे मैपिंग के वाले पार्ट से। तो और ये ऐसा है ना कि अगर आप इनपुट दे रहे हो तो वहां से डेफिनेटली आउटपुट आपका निकलना है। तो अगर इसलिए मैं बोलूंगा कि आप मैपिंग आप अच्छे से करो, मैपिंग पे आपको कॉन्फिडेंस, और आप ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप सही से करते हो तो, आप डेली अगर 15-20 मिनट बस आप मैप खोल के देख लेते हो कि अच्छा ये वाला प्लेस क्या है, अच्छा इससे बॉर्डरिंग ये है, अच्छा यहाँ पे किर्गिस्तान है, हाँ, तो वो मैपिंग वाला पार्ट आपको काफी फोकस करना होगा लास्ट के ऊपर। ओके, तो मतलब आपने 4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट बता दिए जी। तो ब्रदर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा भी कि जैसे 2023 प्रीलिम्स में डोमिनेटिंग जो क्वेश्चन, जो पैटर्न था वो पेयर वाला था, राइट जी? तो वो पेयर वाले क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपने कैसे अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को। जी, मैं रीड करता हूँ अभी आपके लिए। तो ये सेट ये है ब्रो 2023 का, और क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन ये ऐसे जा रहा है ब्रो, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स,
वन स्टेटमेंट है इसका ब्रांड रिकॉग्निशन, सेकंड स्टेटमेंट है इन्वेंटरी, एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ इज मेलिंग मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। तो ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं राइट, तो इसमें आपने चूज करना है क्या चूज करना है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट, इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट इसमें से इस पेयर बताने, मतलब कि ओनली वन पेयर ऑप्शन ये है इसके, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, ऑल फोर पेयर। तो आप ये बताओ इसमें आपने कैसे अप्रोच किया था पेयर वाला जो क्वेश्चन है। जी जैसे ये वाला क्वेश्चन फॉर्चुनेटली मेरा तो सही हुआ था। अच्छा वहां पे तो यहाँ पूछ रहा है इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, तो इंटेंजिबल टेंजिबल आपको पता होगा क्योंकि 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स पूछा था। तो इंटेंजिबल जो आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, तो मैंने ये देखा कि चलो ठीक है ये चार दिया हुआ है इस पर पेयर, तो इसमें तो आप डायरेक्टली मतलब कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो ये इस वाले पेयर में। तो मैंने देखा ब्रांड रिकॉग्निशन, तो ब्रांड रिकॉग्निशन ब्रांड कुछ ऐसे होता है जैसे आप कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, जैसे मान लीजिए गुची, कोई भी नाइक, तो उसे आप ब्रांड को छू नहीं सकते हो, तो वो इंटेंजिबल हुआ। तो जो चीज आप फील नहीं कर सकते अपने फिजिकल सेंस से वो इंटेंजिबल हुआ। तो एक तो इंटेंजिबल है, तो उसके बाद फिर दूसरा वाले में देखते हैं इन्वेंटरी। मुझे वहां पे इन्वेंटरी का एक्चुअल मतलब नहीं पता था। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि मुझे एग्जैक्टली पता था इन्वेंटरी, तब मैंने क्या करा कि आपको अगर इंग्लिश ना समझ में आए इन्वेंटरी का तो आप हिंदी में देखो। तो हिंदी में मैं गया तो वहां पे लिखा था माल सूची, तो माल सूची मतलब गुड्स। तो गुड्स को आप फील कर सकते हो, आप देखोगे वेयर हाउस से गुड्स निकाले जाते हैं तो आप गुड्स को फील कर सकते हो। तो ये तो ऑब्वियसली इनटेंजिबल नहीं हुआ, ये तो आप छू पा रहे हो, इसको आप फील कर पा रहे, टेंजिबल हुआ। तो ऑल फोर तो नहीं होगा, तो डी तो मैंने हटा दिया पहले ही। अब ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब आपने बेसिक एनवायरनमेंट भी पढ़ा है बेसिक, तो आपको पता होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है आईपीआर, इसके लिए कितने कॉपीराइट इश्यूज और ये होते रहते हैं हर साल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपका दिमाग का सोच है, दिमाग का उत्पत्ति है, तो ये तो आपके इंटेंजिबल में ही आएगा। तो दो मतलब हाँ तो दो बता दिया। अब मेलिंग लिस्ट, अब आप तो ईमेल तो करते ही हो, किसी ना किसी को ईमेल करते हो, तो मेलिंग लिस्ट तो आप थोड़ी छूते हो उसको, आप तो मेल कर रहे हो ना, तो आप बेसिकली वो इंटेंजिबल हुआ क्योंकि मेल को आप छू वो तो फील नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप ब्रांड रिकॉग्निशन आप निकाल लिया, इन्वेंटरी आपने देख लिया कि हाँ माल सूची लिखा था तो आपने देख लिया कि हाँ ये तो छुआ जा सकता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने देख लिया कि अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इंटेंजिबल है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर पर्सन का अलग से सबका अलग अलग होता है। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, तो आप मेल करते हो ये आपको पता होगा। तो कॉमन सेंस से बहुत सरलता से आपने इसका आंसर निकाल लिया, ओनली थ्री पेयर, ओनली थ्री, क्योंकि वहां पे सब कुछ आपको पता हो ये गारंटी नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। जो बहुत टॉपर होते हैं उन्हें भी 40 क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको वहां पे अपने कॉमन सेंस को लेके जाना है। कॉमन सेंस अगर आप लेके जाओगे तो 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही एक्स्ट्रा निकाल लोगे। यहाँ कॉमन सेंस आपने ये वाला यूज किया ना इन्वेंटरी वाले में स्टेटमेंट जो था, इन्वेंटरी में रियली में नहीं आ रहा कि इसमें गुड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ जी हाँ जी, माल सूची आपने जो हाँ पढ़ा गुड्स आता है माइंड में आता है। जी जी, तो जहां आपको इंग्लिश में एक और क्वेश्चन इसमें था ऐसे जिसका आंसर था रन ऑफ कच्छ। अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ, पहले मुझे इंग्लिश में समझ में मार्स लैंड ऐसे करके कुछ था, तो मुझे समझ में नहीं आया पेपर में, तो मैंने हिंदी गया तो वहां पे लिखा था कौन सा रन है, कच्छ भूमि है, और आंसर में था रन ऑफ कच्छ। तो वहां से मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि अच्छा जी कच्छ भूमि है और रन ऑफ कच्छ, तो आंसर तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया वहां से। तो जहां पे आपको इंग्लिश में ना आए तो आपको मतलब वहां पे इनफेरियरिटी नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं इंग्लिश मीडियम हूं तो हिंदी में नहीं देख सकता हूं। आप हिंदी में उल्टा हो, आप हिंदी में पेपर देखो, अगर वहां से कम तो आपके 2-3 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो हिंदी में आपको इजिली पता चल जाएगा। और यही अप्लाई होता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर कोई हिंदी का ट्रांसलेशन जो होता है अगर सही से नहीं दिया गया है तो आप उसका इंग्लिश में देख लो जी, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है। आई एग्री ऑन दैट। तो अंशुमान ब्रो, जैसे आपका बता रहे हो कि मेंस के लिए पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए एस्पिरेंट्स को राइट, प्री से पहले जी राइट, तो मतलब कि आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। जी जी जी। तो अंशुमान ब्रो, आप ये बताओ कि आपने एसी का जो पेपर होता है मेंस में, उसके लिए आपने कोचिंग ली है क्या? मैंने ऐसे के लिए कोचिंग लिया था। अच्छा जी, मैंने ऐसे के लिए कोचिंग लिया था क्योंकि ऐसे जो होता है और एथिक्स, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, ये तीन पेपर जो होता है ये सबसे ज्यादा, क्योंकि GS1 to GS4, GS1 to GS3 में बेसिकली सबके
मतलब एवरेज एवरेज मार्क्स ही होते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग जो आपको लिस्ट से बाहर और लिस्ट के अंदर बस ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, ये तीन पेपर आपको कर सकता है। तो बेसिकली मैंने ऐसे के लिए इसलिए मैंने कोचिंग ली थी एक कोचिंग से, और ऑप्शनल तो मैंने खुद से करी थी जी। तो ऐसे आपने लगाया टेस्ट उस्ट लगाया हूं जैसे? अभी तो फिलहाल मैं प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स से जी, लेकिन मैंने लगाई है 4-5 ऐसे, मैंने टेस्ट इवेल्युएट करवाया है जी, और जो भी फीडबैक थे वो मैं इंकल्केट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तो राइट टाइम नहीं है कि मतलब ऐसे लगा। हाँ जी गाइस, ऑन पापा सॉरी, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे ऑप्शनल को लेकर स्ट्रेटजी गाइस, कि मतलब कैसा रहे ऑप्शनल का स्ट्रेटजी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो वही डिस्कस करेंगे अंशुमान ब्रो से। तो अंशुमान ब्रो, जैसे आपका ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है जी, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 वाला ही था जी, ऑप्शनल कैसे तैयार कर रहे हैं मतलब पीएसआई का जी? जैसे कोचिंग लिए ऑप्शन भी नहीं, मैंने तो सेल्फ स्टडी से कर रहा है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड भी था और मैंने ग्रेजुएशन भी ये पॉलिटिकल साइंस में ही करा था, तो बाकी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं, जैसे एक सुब्रा रंजन मैम के नोट्स काफी पॉलिटिकल साइंस में मतलब वाइड स्प्रेड है, लोगों को पता होता है कि सुब्रा रंजन के मैम के, तो मैंने नोट्स ले लिया था ऑनलाइन में, मैंने मंगवा लिया था, और क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे मैं अपने घर पे ही था, तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन कुरियर करवा लिया था, और साथ में मेरे जो टीचर्स थे तो उनसे मैं कांटेक्ट में था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी काफ़ी मतलब वो होते हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स थे, तो जहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत वो होता था तो मैं अपने टीचर्स से कंसल्ट कर लेता था ऑप्शन में, राइट जी। तो ऑप्शन की तैयारी आपको अभी कैसा फील हो रहा है, कि मतलब आप मतलब तैयार ऑप्शन को लेके? जी मेरा 70-75% के आसपास में ऑप्शनल तैयार है अभी। अभी हाँ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स जो है 2024 का 16 जून को है, जी 16 जून को है। तो मतलब अभी क्या कर रहे हो आप, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो कि? नहीं नहीं, अभी तो फुल फ्लेज्ड मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स आज के टाइम पे टफ है, प्रीलिम्स में आप हल्के में ले जा सकते हो कि मतलब निकल ही जाएगा, मतलब आपको फुल टाइम प्रीलिम्स पे ही काम कर रहे हैं? जी जी, फुल टाइम प्रीलिम्स में, साथ में मैं लॉ भी कर रहा हूँ। तो कब से स्टार्ट होगी प्रीलिम्स? कम से कम तो आपको 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने 2.5 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था प्रीलिम्स का फुल फ्लेज्ड। तो गाइस ऑन पापा सॉरी, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एज ए अल्टरनेटिव करियर क्या सजेस्ट करते हैं अंशुमान ब्रो, वही डिस्कस करने वाले हम लोग। तो अंशुमान ब्रो, मैं आपका प्रोफाइल देख के आया हूँ जी। तो आप अभी LLB कर रहे हो राइट? जी, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो राइट जी। तो आपने मतलब क्यों मतलब इतना जल्दी आपने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, मतलब एक साल के अंदर ही शायद आपने? नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर लिया था क्या आपने चूज? नहीं नहीं, मैंने 2023 में आई वाज 22 I was 21 that time. अभी तो मैं 22 हूँ। तो मैंने 21 में मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक, अगर आपके पास बैकअप होता है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कोई भी कंपटीशन के लिए। अगर आपके पास, आपको पता होता है कि ठीक है अगर होता है तो, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है कि, और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास एक बैकअप होता है क्योंकि, तो आप ज्यादा अपना कैलिबर से आप, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं इनकेस मेरा कुछ 1-2 मार्क्स रह भी गया तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जहां पे मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूं। अभी जैसे मैं LLB कर रहा हूं तो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में अंडर एडवोकेट अंकिता गौतम, तो AOR है वो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है अभी, तो वहां पे मैं कर रहा हूं, तो काफी वहां पे भी सीखने को मिल रहा है, काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए अगर आप कुछ मतलब कर, एक बैकअप आपके पास रहता है, और खास करके LLB जैसा जो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जाना माना इंस्टीट्यूट है LLB के लिए, लोग बहुत सारे, और मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं तो मैंने कभी फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए मैंने स्पेशली प्रिपेयर भी नहीं करा था। अच्छा जी, तो मैंने UPSC का, क्योंकि 28 मई को था लास्ट ईयर, मैंने उसका प्रेप किया, तो मेरा फुल टाइम तो उसी पे जा रहा था, और आप बिलीव नहीं करोगे 8 जून को मेरा पेपर था LLB का। तो मेरा जो वहां का नॉलेज है वही मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया और ये मेरा निकल गया। तो वही होता है कि अगर आप कहीं पे मेहनत कर रहे हो तो उससे आपको बहुत डिफरेंट फील्ड्स आपको मिल जाता है। बट अंशुमान, जो लोग ये सोचता है ना कि मतलब फुल टाइम एस्पिरेंट जो होता है वो माइंड, मतलब वो लोग ऐसा माइंडसेट कैरी करता है कि अल्टरनेटिव नहीं देखना है हम लोग को और मतलब फुल टाइम चलेगा, क्योंकि तो काफी लोग छोड़ के भी आता है कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आता है जी। तो मतलब अल्टरनेटिव को लेके मतलब लोग वो मतलब थोड़ा सा नैरो माइंडसेट कैरी करता है कि नहीं है थोड़ा, तो इस चक्कर में लोग 4 साल या 4 अटेम्प्ट
ऐसे निकल जाते हैं, एस्पिरेंट को पता नहीं लगता। लेकिन आपने जो चूज किया अल्टरनेटिव जस्ट आफ्टर वन ईयर शायद हमने कर जी 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 हाँ तो वो काफी सही था ब्रो, और आपको काफी सीखने को भी मिल रहा है जी। अगर आप देखो इस साल जो टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव, या तो वो पहले से आईपीएस थे 22 बैच के, तो अगर वो आप देखो उन्होंने आईपीएस का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है और उन्हें टाइमिंग बहुत कम मिलता है, फिर भी उन्होंने टॉप कर दिया इस बार। तो ये कहना मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि अगर आप कोई अल्टरनेटिव देखते हो तो वो गलत है या वो ये। मेरा मानना है कि आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में आप ये नहीं कंप्लीटली आप मतलब आइसोलेटेड भी नहीं रह सकते हो कि आप बस यूपीएससी, अगर आप कुछ एक साल आपने तैयारी अच्छे से करी है तो आपका बेसिक तो स्ट्रांग हो ही गया है। आप बेसिकली इतना तो आपने सब बेसिक किताब कवर कर लिया है, आपने करंट अफेयर्स से आप हो, और उसके अलावा भी आप बहुत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो कि एट द एंड अगर इनकेस भगवान ना करे आपका थोड़ा मार्क्स उससे रह गया तो आप क्योंकि हर साल लाखों बच्चे दे रहे हैं, हो रहा है सिलेक्शन मात्र, अगर आप अनरिजर्व में हो तो 300-350 और अगर आप नॉर्मली भी देखो तो 700-750-800 इससे ज्यादा, तो बाकी 99% लोगों का क्या होता है, उनका तो कोई नहीं रहा। तो इसलिए जी तो इसलिए आपको एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए, मतलब अगर रखते हो तो मेरे हिसाब से अच्छा है, बढ़िया है जी। क्योंकि ब्रो एक इंसिडेंट वायरल हो रहा है, मतलब एक एस्पिरेंट का स्टोरी हुआ काफी वायरल हो रहा है, उन्होंने 12 अटेम्प्ट देख के 5 इंटरव्यू भी दिया उन्होंने, तो 5 इंटरव्यू देने के बाद भी लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, वैसा भी नहीं कि उन्होंने मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, उनका लक साथ नहीं दिया, मतलब यूपीएससी में लक का भी फैक्टर और रोल है गाइस, ये मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव को आप नहीं इग्नोर कर सकते, आप राइट टाइम पे अल्टरनेटिव देखना बहुत जरूरी है यूपीएससी की जर्नी में, अगर आप राइट टाइम पे अल्टरनेटिव नहीं देखते हो तो काफी कुछ मतलब दिक्कत हो जाएगा आपको फ्यूचर कैरियर बनाने में। वही गाइस राइट टाइम पे अल्टरनेटिव देखना जरूरी है, जो अंशुमान ब्रो ने किया राइट टाइम पे अल्टरनेटिव देखा, मैं तो प्रे करूंगा ब्रो का कि यूपीएससी निकल जाए 2024 वाला ब्रो। थैंक यू यस ब्रो। तो वही है गाइस अल्टरनेटिव देखना काफी जरूरी है यूपीएससी जर्नी। गाइस पापा सॉरी पे ये इंटरेक्शन का लास्ट राउंड है गाइस, जिसको मैं रैपिड फायर राउंड बोलता हूं। तो अंशुमान ब्रो वेलकम टू रैपिड फायर राउंड ऑन पापा सॉरी। ओके थैंक यू। यूपीएससी डोमेन में फर्स्ट कोई यूपीएससी टॉपर, फर्स्ट टॉपर मैंने टीना डबी का सबसे पहले नाम सुना था 2015 में, वो टॉप की थी तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं 7th या 8th में था, तो उस टाइम पे मैंने टीना डबी मैम का सबसे पहले नाम सुना था तो फीमेल कैटेगरी फीमेल में, और मेल में मैंने अनुदीप दुर्सेटी का नाम सुना था, 2017 के टॉपर हैं वो, काफी डाउन टू अर्थ और हम्बल बैकग्राउंड के हैं, मैंने उनका नाम सबसे पहले सुना था। तो अंशुमान ब्रो रैपिड फायर राउंड का सेकंड क्वेश्चन ये है कि ओआरएन जो हब है यूपीएससी का जी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो ओआरएन में आपका विजिट किया था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो मैंने 22 में ही विजिट किया था, क्योंकि उससे पहले मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज कालकाजी में हुआ करता था, तो मैं मुझे पता था कि अभी कॉलेज टाइम चल रहा है तो कॉलेज में आप इंजॉय करो, क्योंकि आपको एक बार जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपको बेसिकली अपना हार्ट एंड सोल देना पड़ता है इस फील्ड में, तो मैं चाहता था कि मैं कॉलेज का भी फुल यूटिलाइज करूं अपने, इसलिए मैं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी था, मैं वहां का जो क्विजिंग सोसाइटी था प्रभास तो उसमें भी था मैं, उसके अलावा मैं वहां का डिबेटिंग सोसाइटी में भी था, तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार आप लग गए इस वाले फील्ड में यूपीएससी में तो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ अच्छा पाने के लिए, तो इसलिए मतलब मैंने 22 में जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो फर्स्ट टाइम मैं ओआरएन आया था। कॉलेज लाइफ भी आपने काफी अच्छे से एंजॉय किया है? जी जी मैंने कॉलेज लाइफ का फुल यूटिलाइज किया। काफी स्टूडेंट लोग 10th और 11th से भी काफी तैयारी कर रहे हैं जी जी, काफी बैडनेस टाइप लग रहा है जी 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 आज के टाइम पे तो है। तो ब्रो अंशुमान ब्रो मुझे ये बताओ कि यूपीएससी जर्नी में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बताया, फर्स्ट जो फ्लैटमेट्स हैं अभिजीत और नवनीत, जब मैं 22 में आया था तो सबसे पहले इन्हीं दोनों से बात हुई थी, अभी भी फॉर्चुनेटली हम लोग साथ ही रहते हैं। अच्छा, जी तो ये दोनों से, और फिर मेरे कॉलेज के भी कुछ दो दोस्त थे, एक भूपेंद्र और ललित, इवन अभी जो लॉ कर रहा हूँ तो वहां पे भी मेरे कुछ एक दो दोस्त अच्छे हो गए हैं, वंस रोशनी स्पर्सी अदिति शिवानी, तो वो डिपेंड करता है ना आप जैसे जैसे जाते हो मतलब फील्ड चेंज करते हो तो थोड़े बहुत आपका इंटरेक्शन होता है और कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं आपको जो आपको सपोर्ट करे। ओवरऑल मुझे आप इस आंसर से आपका ये पता लगा कि आइसोलेशन में रह के आप तैयारी नहीं कर रहे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने एलएलबी भी इसलिए लिया कि थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हो सके, थोड़ा बहुत आप लोगों को जान सके, थोड़ा बहुत लोग आपको जान सके, तो इससे आपका होराइजन भी एक तरह से डेवलप करता है।
तो ब्रो आप ये बताओ कि यूपीएससी के दौरान फ्रेंडशिप का कितना रोल है, मतलब फ्रेंड्स लोग कितना हेल्प करता है यूपीएससी जर्नी को कैरी करने में, मतलब कोई स्ट्रेसफुल नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है उसका, तो फ्रेंड्स लोग हेल्प करता है क्या कि पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे आना? डेफिनेटली डेफिनेटली फ्रेंड्स का तो एक बहुत अहम रोल रहता है इस जर्नी में, क्योंकि मुझे याद है जब एक साल प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम पे बस फ्रेंड्स ही थे, क्योंकि मैं मुझे जब भी थोड़ा सा होता है कि आप 10 घंटा आपने पढ़ा उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं आपको एक चाहिए होता है कि आप किसी से बात कर सको, अपने फीलिंग्स को बता सको, क्योंकि डेली ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कोई 100 मीटर रेस तो है नहीं, मैराथन है ये एक तरह से। मुझे याद है एक मेरी दोस्त थी पूनम, मैं उससे भी बात करता था कभी। प्रीलिम्स में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मॉक टेस्ट? मुझे लगता है कि आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक अच्छे से दे दो, बहुत ज्यादा टाइम है तो आप 2 से दे सकते हैं, उससे ज्यादा देना फालतू है। तो 35 टेस्ट का मॉक आता है तो आप वो दे दो अच्छे से, और उसके अलावा आप कोई भी एक जाके मार्केट से परचेस कर सकते हो, या फिर आप कहीं से कोई फ्रेंड के पास हो या कहीं से आप ले सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास बहुत टाइम है तो 2 दे दो, या फिर एक कोई भी एक अच्छे से आप दे दो। और मेंस के मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? मेंस के मैं मानता हूँ कि हर पेपर के 4-4 दे दो आप, GS1 के 4 दे दो, GS2, GS3, GS4, और ऐसे के आप मतलब हर वीक एक एक ऐसे आप लिख के देख लो, इवेल्युएट करवा लो। तो आफ्टर प्रीलिम्स, आफ्टर प्रीलिम्स यस। अभी तो मेरा कहना है कि आप 24 के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल तैयारी कर रहे हो क्या अभी से? इंटरव्यू के लिए आप थोड़े बहुत, देखिए इंटरव्यू एक दिन का चीज होता नहीं है, इट्स बेसिकली नॉट इंटरव्यू, इट्स पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपका पर्सनालिटी तो आपका इनबिल्ट होता है, बट आप थोड़ा सा उसको शार्पन करते हो ओवर द टाइम। तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा थोड़ा मतलब अपने पर्सनालिटी को, कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी क्या है, आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, तो थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्ट आप करते रहो मतलब शुरू से, बट ओवरऑल आप पूरा ड्रास्टिकली तो आप अपने आप को चेंज कर नहीं सकते हो। आपका एक मोल्डेड पर्सनालिटी होगा, और आप वहां पे जितने ट्रूथफुल रहोगे इंटरव्यू बोर्ड से, मार्क्स उतने ज्यादा आते हैं। आप वहां पे फेक, क्योंकि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 50 साल का एक्सपीरियंस है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप वहां पे फेक करोगे या फिर आप उन्हें कुछ और बन के दिखाओगे तो वो एक सेकंड में समझ जाएंगे, और वो झट से आपको, क्योंकि उन्होंने आपने एक डिसऑनेस्ट नहीं चाहिए आपको, एक सेकंड का चीज के लिए आप अपना 1 साल बर्बाद कर दोगे। तो आप जो बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी है और जो आपका कैलिबर है, तो आप एज सच ही वहां पे पेश करो, और वो इस बात को बहुत सराहते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से अपने आप को पेश किया है। He was truthful to the board. यूपीएससी हब में रहने का कुछ फायदा है, बेनिफिट्स हैं कि जो एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बेनिफिट हैं यूपीएससी हब में रहने? देखिए देखिए एक तो होता है कि आप यूपीएससी के लिए ORN आ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ठीक है कि आपको कोचिंग में, अगर आप एकदम बिगिनर हो, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता है, आपका मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड था या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो बेसिकली आप यहाँ पे आ सकते हो। बट जहां तक की बात रहा कि आपको पढ़ाई तो आप घर से भी कर सकते हो, आप सेम किताब है जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, सेम किताब है जो आप घर पे पढ़ोगे, सेम टेस्ट सीरीज आजकल तो ऑल ओवर इंडिया चलने लगा है। तो अगर आप कोचिंग लेने आ रहे हो या आपको लगता है कि आपका कहीं ऐसा ड्रॉबैक है, तो आप वहां के लिए आप यूज कर सकते हो, आप आ सकते हो। बट अगर किसी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ये सब चीज कि यहाँ पे आए हर साल हर महीना 10,000 रुपए दे, तो वो बेसिकली आप घर पे भी रह सकते हो, घर पे भी आप सेम इन्वायरमेंट, आजकल ऑल ओवर इंडिया, यहाँ करोल बाग से पूरे इंडिया पे वो लोग आज डिलीवरी करते हैं, मटेरियल जाता है सारे आजकल ऑनलाइन में, जब से तो कोविड हुआ है तब से सब चीज ऑनलाइन में हो गया है, सारे बेस्ट टीचर्स ऑनलाइन में है। तो आप घर पे रहोगे उससे भी आपको, वहां पे आपको खाना पीना घर का, साथ में आपको मम्मी पापा आपके भाई बहन सब रहेंगे सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर आप नहीं आते हो तो उससे भी आपको कोई ड्रॉबैक नहीं है। नहीं है राइट। यूपीएससी एस्पिरेंट को ऑप्टिमम नंबर ऑफ फुल प्लेस अटेम्प्ट की, मतलब बिना बैकअप के कितने अटेम्प्ट देने चाहिए आपको? मेरा मानना है, देखिए मैंने तो एक अटेम्प्ट दिया है, मैंने पहले से ले लिया, लेकिन मेरा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अटेम्प्ट दो, उसके बाद फिर आपको एक, क्योंकि 2 से 3 अटेम्प्ट में मतलब आपको 3 से 4 साल लगने वाले हैं, तो उसके बाद आपके पास एक तो कोई बैकअप होना चाहिए। अगर आप जैसे एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, जैसे मेरे जैसे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो अगर आप कोई मिडिल क्लास, अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो या फिर आप बहुत अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी हो, अगर कोई एक नॉर्मल जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो एक मिडिल क्लास से जो बिलोंग करता है,
तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बैकअप का बहुत ज्यादा आज के डेट में है, और वो उससे अगर उसके पास एक अल्टरनेटिव होता है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है इस एग्जाम में, वो दोगुना मेहनत कर सकता है एज कम्पेयर टू कोई और जो जिसके पास, क्योंकि उसे हमेशा डर सताया रहेगा कि ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। तो इसलिए आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, आपको बेसिकली 2-3 अटेम्प्ट आप फुल फ्लेजेड दो, उसके बाद फिर आप कोई एक अल्टरनेटिव देख लो और साथ में यूपीएससी का भी प्रिपेयर करो। यूपीएससी जर्नी में लोग आइसोलेट होके तैयारी करता है, तो इस दौरान बीएफ जीएफ का क्या रोल रहता है एस्पिरेंट्स की लाइफ में? देखिए जीएफ बनाना चाहिए अगर मेल एस्पिरेंट हो तो, या मतलब अदरवाइज? देखिए मेरा मानना है कि आप चाहे उसे बीएफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल लो या फिर कोई एक नॉर्मल फ्रेंड बोल लो, कोई भी मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपको एक मेंटल पीस दे सके, आप जिससे बात करके कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जब आप 10 घंटा पढ़े या फिर आप जब पूरा दिन पढ़े हो तो आप थोड़ा सा बात कर सको, मेरे लिए वो फ्रेंड हो सकता है, आपके लिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है। अगर आप कोई ऐसे फ्रेंड खोज लो या फिर ऐसा कोई पार्टनर देख लो, मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा कि आप अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना हो तो आप नहीं कर सकते हो, या हो तभी आप कर सकते हो, तो दोनों डिपेंड करता है। अगर हो तब भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, और नहीं हो तब भी कोई वो नहीं है। अच्छा, तो आपको बेसिकली एक ऐसा फ्रेंड चाहिए इस जर्नी में जो आपके थॉट प्रोसेस को समझ सके, आपको वो समझ सके, आपको जब डिमोटिवेट हो तो वो आपको थोड़ा पुश कर सके, पुश कर सके। अंशुमान जैसे एस्पिरेंट जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जो अभी ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट किया हुआ है, तो जो वेब सीरीज है, वेब सीरीज का जो ट्रेंड चल चुका है सोसाइटी में, जैसे एस्पिरेंट 1 और एस्पिरेंट 2 जो 12th से ला रखा है अभी, वो काफी वायरल हो रहा है एस्पिरेंट्स के बीच में, तो आपको क्या लगता है आपको कितना मोटिवेट करती है एस्पिरेंट को यूपीएससी या ड्रीम परस्यू करने में? देखिए मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा छोटा सा जो भाई है वो भी अभी 12th फेल देखा था। अच्छा। तो वो भी अभी मोटिवेटेड हो गया कि भैया मैं तो आईएएस ही बनूंगा या आईपीएस ही बनूंगा। अच्छा। तो ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है, बट मैं ये भी बोलूंगा कि केवल यही देख के कि अच्छा लाल बत्ती वाली गाड़ी या फिर ये, तो वही देख के आप नहीं आ सकते हो। मोटिवेशन एक दिन का होता है, बट डिसिप्लिन जो होता है वही आपको लॉन्ग टाइम में मतलब हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आप देखोगे शॉर्ट्स पे आजकल यूं पड़े रहते हैं कि अच्छा जी लाल बत्ती गाड़ी लबासना ये, तो वो सब देख के अगर आप आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से को चीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वहां पे आपको किताब कॉपी और इसी से लेके गुजरना पड़ेगा। आप यहाँ पे बस मोटिवेशन नहीं, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप बेसिकली एक अपना हैबिट बना लोगे, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प होगी इन कंपैरिजन टू मोटिवेशन। यूपीएससी को मतलब हल्के में लेके स्टार्ट नहीं कर देना है कि बस मैंने शॉर्ट्स देख लिया, मेरे को कोचिंग ज्वाइन करना है, और मतलब कि यार इतना आसान नहीं है यूपीएससी जर्नी गाइस। यही मतलब ब्रदर बोलना चाहता हूं वापस वहीं पे कि मतलब आपको मतलब जनरली आपको इंटरेस्ट है कि सिविल सर्विस एज ए करियर परस्यू करना है, तभी आप सिविल सर्विस में आए, नहीं कि ना कि आप कोई वेब सीरीज देख के। काफी हार्ड जर्नी है गाइस यूपीएससी का, बिल्कुल आपको डिसिप्लिन लाइफ तो जीना होगा, हार्डवर्क तो आपको करना ही होगा, नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का डेली रूटीन में कितने घंटे का स्टडी आवर होना चाहिए आपके हिसाब से? जी देखिए कोई एक फिक्स टाइम तो है नहीं जो मतलब सब एक ही टाइम करें, तो वो जैसे फॉर नंबर ऑफ आवर्स डेली कितने देने चाहिए? जी मेरा मानना है कि अगर आप नॉर्मल डेज पे 6 से 8 घंटे भी निकाल लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, और जब एग्जाम नजदीक आती है तब आप ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ ही जाते हैं, 10-12 घंटे हो जाते हैं। जैसे अभी प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है तो ऑब्वियसली आप 10-12 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट ऐसे नॉर्मली आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हो दैट इज मोर देन इनफ। पीवाई की जो यूपीएससी का प्रीलिम्स जी उसका कितना रोल है? जी पीवाई क्यूज तो आपको देखने ही चाहिए, एटलीस्ट मतलब 5 years के PYQs तो आपको पूरे थॉरो होने चाहिए। मैंने 10 years के कर रखे हैं क्योंकि 2013 में पेपर चेंज हुआ था उसके बाद से, तो आप 5 years के PYQs अच्छे से देखो, उसमें देखो कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछना चाहता है, कौन से फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमी से आ रहे हैं कि पॉलिटी से आ रहे हैं, तो वो आप देखोगे आप तो आपको ज्यादा हैबिचुएटेड हो जाओगे उस क्वेश्चन से। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर और सिलेबस ये दो चीज तो आपको होना ही चाहिए आपके पास। जी यूपीएससी जर्नी में मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज कौन सा है, प्रीलिम्स मेंस और इंटर स्टेज? जी सब स्टेज तो वैसे अपने में ही डिफिकल्ट है, बट प्रीलिम्स मेरा मानना है कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन तो प्रीलिम्स में ही हो जाता है, 99% बच्चे प्रीलिम्स में ही हट जाते हैं, उसके बाद फिर मेंस आप लिख रहे हो, फिर इंटरव्यू।
एवरी स्टेज इज डिफिकल्ट बट प्रीलिम्स इज लाइक मोस्ट डिफिकल्ट. तो रूम में पढ़ते हो कि लाइब्रेरी कल्चर है जो यूपीएससी हमने, मतलब आप कहाँ पढ़ते हो? जी मैं तो जैसे दोनों मैंने कर रखा है कि मैं कभी रूम पे भी पढ़ चुका हूँ. अच्छा. कभी मैंने लाइब्रेरी में भी पढ़ा है. अच्छा. बोथ आर कंफर्टेबल. वो आपको डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ पे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो. यहाँ के अगर आपका रूम का माहौल सही है तो आप रूम में भी पढ़ सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं रूम का एनवायरमेंट उतना सही नहीं है, गेस्ट ज्यादा आते हैं या फिर लोग आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके रूममेट के साथ उतना कोऑर्डिनेशन, तो आप लाइब्रेरी में भी प्रेफर कर सकते हो. वो डिपेंड करता है. मैंने दोनों किया है. तो आपने कभी टिंडर ऐप यूज किया है? ऐसा स्टैंडर्ड तो मैंने नहीं करा है बट यस मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यूज किया है टिंडर ऐप. अगर आपको हॉस्ट पार्टी के लिए तीन फ्रेंड को बुलाना चाहो तो आप वो तीन फ्रेंड आपके लाइफ में अभी कौन है हॉस्ट पार्टी के लिए? अभी के लिए तो मेरे तीन फ्रेंड्स, जैसे मैं तीन तो नहीं बोलूंगा, चार पांच हो जाएंगे क्योंकि अब मैं हाँ जी पूरा जैसे अब वंस हो गए. एक मेरा अभी लॉ का जो एलएलबी कर रहा हूँ मैं उसका दोस्त है, वंस है. शिवानी हो गई, स्पर्शी हो गई, रोशनी अदिति. फिर मेरे कोई कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं, अब मैं उन्हें भी छोड़ नहीं सकता हूँ. 10-12 लोग के गैंग तो हो ही जाएगा. अब हाउस पार्टी है तो ऑब्वियसली अब पार्टी की तरह लगना भी चाहिए. प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एस्पिरेंट को तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछना चाहिए, मतलब कि उसको यूपीएससी जर्नी परस्यू करना है, उसको यूपीएससी जर्नी परस्यू नहीं करना है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट का? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से है कि आप क्यों करना चाहते हो. ओके. बेसिकली आपका खुद का चॉइस है या फिर आपको पेरेंट्स या किसी को आपको दिखाना है? तो अगर खुद का चॉइस है तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन. फिर आपको एक कंसिस्टेंसी रहती है. इन केस आप कहीं बाद में एक दो नंबर से रह भी गए तो आपको रहता है दिस इज माय ओन चॉइस. तो अगर ये मेरी खुद की चॉइस है तो आप फिर से उठोगे, फिर से आप उसके लिए मेहनत करोगे. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद फिर आपको ये करना है कि आप दिल्ली में आके प्रिपेयर करोगे या फिर आप घर पे करोगे. वेयर आर यू कंफर्टेबल? आपको क्योंकि एक साल का तो ये पूरा प्रोसेस ही होता है, एक साल आपको उससे पहले चाहिए होता है जहां पे आप प्रिपेयर कर सको. तो वो आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस अपना तय करना होगा कि आपको रहना कहाँ पे है. और तीसरा कि आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं. आप बेसिकली जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से करा है, जहां मुझे कोचिंग का नीड हुआ वहां मैंने कोचिंग भी करा था. तो आपको बेसिकली ये देख लेना है खुद के लिए कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कि आपको कोचिंग लेनी है और यू वांट टू प्रिपेयर बाय सेल्फ स्टडी. तो ये तीन क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के हैं जब आप ये यूपीएससी जर्नी से स्टार्ट करते हो. तो अंशुमान ब्रो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट 16 जून को अपीयर हो रहे हैं जी, उनके लिए आप तीन टॉप लेवल के सजेशन देना चाहो जो एस्पिरेंट को देना चाहो आप? पहला तो अभी आप जितना आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उस पर आपको फेथ रखना है. आपने अगर स्टैटिक बुक्स ये पढ़ा है तो आपको वही पढ़ना है, चाहे अभी आप मार्केट में अभी क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है, मार्केट में 100 तरह के नोट्स आने वाले हैं, 100 तरह के मटेरियल आएंगे. आपने जो पढ़ा है बस आप वही पढ़ो, फिर से पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, लेकिन वही पढ़ो. दूसरा कि आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो. okay. क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स में 12 मार्क्स ज्यादा आ रहा है तो मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं. तो क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे लास्ट टाइम में, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं जो आपको सेल थ्रू करवा सकते हैं इस एग्जाम में. तो आप क्वेश्चंस जितने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो आप वो देखो. आप देखो कि आपको एलिमिनेशन आ रहा है कि नहीं, आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं. अगर आप दो एलिमिनेट कर रहे हो तो आप अगर दो में गेस कर रहे हो तो आपका नेट पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं. अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है. तो वो सब आप देखो लास्ट में. और थर्ड है कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस तो अपने खुद के ऊपर रखना है कि हाँ. और कॉन्फिडेंस मतलब आपको लूज नहीं करना है बिफोर वन मंथ ऑफ प्रीलिम्स? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं. अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते. अभी अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आपका पूरा साल भर का मेहनत पानी में चला जाएगा. आपने साल भर बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत दिल लगा के मेहनत करी है. आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है. आपको पानी है. और हेल्थ भी बहुत प्रायोरिटी है क्योंकि गर्मी अब आ रही है, बहुत गर्मी पड़ने लगा. हेल्थ सही रखने के लिए क्या करो, जॉगिंग करते हो या मतलब? देखिए मैं तो जिम जाता हूँ. अब जिम जाते हो? जी मैं जिम जाता हूँ यहीं पे. अभी जैसे करोल बाग रहता हूँ तो यहाँ पे एसआर हेल्थ क्लब है तो मैं जिम जाता हूँ. साथ में सुबह सुबह मैं पार्क, यहाँ अजमल खा पार्क है तो साथ में सुबह सुबह पार्क चला जाता हूँ. तो थोड़ा 1-1.5 घंटा तो मैं खुद के फिजिक पे देता हूँ. तो आप योगा कर सकते हो,
आप प्राणायाम कर सकते हो, आप अगर जिम गए हो तो आप जिम भी जा सकते हो। तो कुछ आप ऐसा करो जिससे आपका थोड़ा सा लगा भी रहे, मन भी लगा रहे, एंड थोड़ा सा आपका बॉडी भी सही रहे, क्योंकि ये हेल्दी ब्रेन रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप पढ़ भी अच्छे से नहीं पाओगे। तो इसलिए आप अच्छा खाना खाओ, लिक्विड खूब पियो, अभी पानी पियो, और एक थोड़ा सा कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर में जिम कर लो, जॉग कर लो, थोड़ा सा पार्क में निकल लो, थोड़ा नेचर से मिल लो, ये सब आप कर लो तो बहुत काफी बढ़िया, सही है। बहुत या आपने काफी हेल्थ को लेकर जो बताया ना, काफी सही लगा। आप बहुत सही जेन्युइन आंसर दिया आपने, रॉ आंसर्स दिए, मेरे को काफी अच्छा लगा। गाइस और पापा सब ये ग्रुप खत्म होने की ओर पे है। अंशुमान ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा थैंक यू सब। सो मच फॉर कॉलिंग मी। ब्रो आपने जो शेयर किया है, जर्नी आपने शेयर किया और जो लर्निंग शेयर किया है पापा सॉरी पे, ये एस्पिरेंट्स कम्युनिटी को काफी हेल्पफुल करने वाला है। तो उसके लिए अंशुमान ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी। इट्स माय प्लेजर।